हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया ब्लॉग। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं एक्सपो 2020। तो आज हम पहुंच गए हैं एक्सपो। तो साजिद भाई, क्या कहना चाहोगे आप, कैसा लग रहा है? यार बस मैं ये सोच रहा हूँ कहीं घूम ना हो जाओ, इतने लोग आ गए आज। दुनिया भर के लोग हैं। एयरपोर्ट वाली फीलिंग आ रही है, एकदम चमक भी वैसी रहा है। ऐसी लग रहा है जैसे पाकिस्तान इंडिया जा रहा है। हाँ, आवाम बहुत आई है, फुल फुल मेट्रो भर के आ रही है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? जिस तरीके से एक्सपो का नज़ारा है, हाँ जी भाई साहब, क्या खोज रहे हैं आप? अरे महाराज जी, पूरी फिल्म बनाएंगे आज। पूरा जामा लेके आया है। भाई इंडिया का झंडा किधर है भाई? वो दिख रहा है मेरे को। पुलिस की गाड़ियाँ। अबे ये इतने डिग्री वाले कहाँ से आ गए भाई? सर ये इसमें है ना, लिखा होगा ना इधर, ये देख ना, अल वॉशल स्टेज। इधर देख, इधर डिग्रियां मिल रही लोगों को, पढ़े लिखे बच्चे हैं। हाँ यहाँ पे कुछ हो रहा था प्रोग्राम, प्रोग्राम खत्म हो गए। छोड़ो, देख टेलीप्रॉम्प्टर, बड़े बड़े कैमरे, इधर ये मिला ना वो। तो इस तरीके से कुछ एक्सपो के नज़ारे, यहाँ पे छोटी छोटी गाड़ियाँ। तो सृजन भाई, क्या खोज रहे हो आप, कौन सा पवेलियन में फर्स्ट जाना है? पाकिस्तान में?
इंडिया में चलते हैं अभी। हाँ पर ये मुझे तो नहीं लग रहा है कि इंडिया जा रहा हो ये रास्ता। चलो फिर भी देखते हैं कहाँ तक पहुँचाएगा। काफ़ी बड़ा है यार, बहुत भीड़ है। ये कुछ इस तरीके से भीड़ इधर। ये सारे पवेलियन हैं साथ। यदि घूमने यार अच्छी कंट्री है उनकी। यार ये समझ नहीं आ रहा जाने जाने वाला रास्ता कौन सा है, आने वाला कौन सा है। तो अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलो फिर। ये कुछ बोल रहे हैं नाबिया के बारे में। अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे। अभी हमें आगे की तरफ जाना है भाई। नाबिया, ये नाबिया के बर्तन। ये हम यहाँ से बाहर। अब कौन सा दूसरा है? अभी कौन से पवेलियन पहुँचेंगे पता। पासपोर्ट का आगे पासपोर्ट से पाकिस्तान की भेजे पिक्चर पाकिस्तान आ गए। हम बिना पासपोर्ट के घूम रहे हैं इधर। मुझे तो लग रहा है कुछ लोग पासपोर्ट ही इसलिए घूम रहे लेके घूम रहे हैं कि हर कंट्री का ठप्पा लगवाना है बस। है ना? तो इसीलिए ना ये पासपोर्ट और क्या है। अच्छा हाँ, तुझे ठप्पे मारता होगा तो परेशान ही हो जाता होगा भाई। ये तो क्या है, सऊदी अरेबिया कुछ इस तरीके से ट्रायंगल स्क्वायर टाइप का कुछ बॉक्स बना रखा है इस तरीके से इनका पवेलियन का। इंडिया पहुंच के। चलो अब इंडिया एंटर 15 मिनट पहले लैंड किया। अच्छा तो अभी हम अंदर जाएंगे। इधर अंदर जाने का रास्ता किधर से? इस तरफ से आ जाओ। द इंडियन पवेलियन। बहुत सारे लोग इधर कांस हो गया। ये बगल वाला कौन सा है भाई? ये पासपोर्ट हर एक कंट्री के लिए होगा लेकिन Thank you.
क्या है भाई यहाँ पे? तुम्हारे मिसाइल में क्या देखें इनमें दिखाता है कुछ इसरो के मिसाइल। ये सारी ये मिसाइल बनाई जब जब और ये है चांद। ये बढ़िया है, ऊपर चलते हैं है? अच्छा इधर से चल फिर। चांद इधर से आना भाई। सीढ़ी कहाँ से है? ये वो है एस्ट्रोनॉट जो चांद पे इसको पहन के जाते हैं। इधर क्या खेला जाता है गेम? अच्छा ये तो झरना आ रहा है। इधर तो ऐसा लग रहा है मेरे को मैं रात को आया हूँ इधर, है ना? ऐसी फीलिंग आ रही है रात है इधर। ये वाला गेट था जो जिसको मैं बोल रहा था खुला रहता था, सही था। ये मतलब इधर क्या है? इस तरफ से लिफ्ट है यार। ये शेर है ये कौन सा तरीका है यार बिल्डिंगे बनाने का हैं? ये बिल्डिंगे ऊपर से नीचे को लटका दिए। ये सही है भाई।
छूट गया। सर मोदी जी ऐसा लग रहा है कि जैसे रियल में खड़ा होगा ना। चलो अब यहाँ से जाएंगे भी नीचे उधर से नीचे जा रही है। चीजें मैं देख भैया तो कुछ इस तरीके से था इंडियन पवेलियन। इसके अंदर तो अब हमारी हो चुकी है एग्जिट। किसका घर है भाई? देखा था तूने ये वाली मूर्तियाँ? ये वो जो सामने है ये क्या मंदिर? हाँ ये बनेगा राम मंदिर। गा रहा था रणबीर सिंह उस दिन गाना। मैप देख, मैप चेक कर, बस ऐसे ही खड़ा किया इधर बस। ये वो हो गया वैनिटी वैन वगैरह है ना। इधर है हम लोग जो एक्सपो के गए ऐसे आए हैं जैसे ढंकी पे आए हैं, कुछ खाया ही नहीं है। इधर से इंडिया के आगे तो अभी भी बहुत भीड़ है। ये इंडिया, इंडिया के बगल में तो वो था भाई इसराइल। हाँ वो हॉल बना रखा है सिर्फ बैठने का है ना। होगा तो नीचे होगा, नीचे होगा कुछ बना है वो। जो भी चीज है मेरे को ये ज्यादा स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है इधर बस। ये इटली के लिए इवन इन्होंने पहाड़ बना रखा आगे हैं। छोड़ यार भाई हमें पाकिस्तान भी जाना है। चल फिर किधर है पाकिस्तान? तो फिर हम इधर जाने वाले हैं लंबी सीढ़ी। कहाँ गई वो ये लंबी सीढ़ी वाले डीपी वर्ल्ड तक? मैं इतने लंबे सीढ़ी पे नहीं चढ़ा हूँ। तू चढ़ा कभी? ना।
कहाँ भाई? ये सबसे लंबा है यार, इतना ऊंचा बनाया है डीपी वर्ल्ड, वर्ल्ड भी तो दूसरा है ही है ना। हाँ यहाँ यहाँ से है ना नज़ारा, तो ये देखो कार्गो शिप है, इधर स्पेस एक्स है। ये है क्या भाई? पहले दिखी हमारे को नाव, फिर दिखा हमें ये कार्गो शिप। सारी कंट्रियों को जोड़ता है यार ये। चल बैठ, तेरा मास्क करके ले। की हाली होगी, चलो भाई।
जहाँ पे गेम खेल रहे हैं प्राइस में। अभी हम जा रहे हैं श्रीलंका, इस तरीके से श्रीलंका, यहाँ पे लोग स्टैंप लगवा रहे हैं, ये चीज वहाँ पे होती है, ये वहाँ पे बजाने वाले, लेबनान, इंडोनेशिया, ये पाकिस्तान, चलो जी अब हम पहुंच गए पाकिस्तान पवेलियन में। अरे देख भाई तुझे मजा आए पाकिस्तान। For your safety, due to the high number of visitors at Expo, Kareem Bike Services, the Expo Explorer 3, movie services will not be available. Yeah. This is Bhutan's pavilion. भूटान की कुछ पेंटिंग है, ये भूटान के लोगों के कपड़े, अरे वाह, हाथ लगा के देख, नहीं नहीं डू नॉट टच।
घर पर लगाने के लिए ऐसे टाइम में इलेक्ट्रिक कोट ज्वेलरी 150 ये भाई हैं हाय कश्मीरी पत्ता ये चाकू रखने का ये वही तो लिया लगा सकते हैं लगा हाँ उसी में ऐड होएगा तो तो कुछ इस तरीके से था एक्सपो का टूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।